इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। लॉकडाउन के मद्देनजर तमाम कारोबार ठप थे, लिहाजा गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम कई सारी तंजीमों अंजाम दे रही हैं। रमजान ईद बिल्कुल करीब है। सुभाष नगर के कुछ नौजवानों ने इन्हीं खदमात का हिस्सा बनते हुए बिना किसी धर्म भाषा जात पात का फर्क न करते हुए अपने खदमात को जारी रखा हुआ है। इससे पहले भी इन्होंने रामनगर, वड्डरवाड़ी और शहर के दिगर इलाकों में गरीब लोगों तक राशन किट पहुँचाने की खदमात को जारी सारी रखा हुआ है। आज फिर इन्होंने तकरीबन 300 से भी ज्यादा राशन किट बनाकर तकसीम किए। इनके इस काम को सराहा जा रहा है। खासकर सुभाष नगर में हिंदू मुस्लिम एकता का भी पैगाम इन नौजवानों की जानिब से दिया गया। इस खिदमत में समाजी खिदमतगार संतोष जंतिकट्टी का भरपूर ताउन रहा। इस वक्त नुमान मोकाशी, कादर घी वाले, सरफराज ओस्मानी, मुदस्सिर पटेल, फयाज चौधरी और दिगर कारकुनान ने खिदमत में हिस्सा लिया। इनके इस काम को वाकई काबिले तारीफ कहकर काफी लोगों ने सराहा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तमाम मेन कमेटी के मेंबर को, नुमान भाई को और गब्बर भाई को और हमारे किसान को और हमारे फयाज सरफराज भाई को और जितने भी हमारे अफसर हैं, ये सब इन कमेटी मिलकर जो है मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके हमारे गेस्ट आए हैं संतोष भाई, उनको मैं दिल की गहराई से उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो काम करने का मकसद ये है कि अभी कोई घर भूखा रहता है वादी वाला, तो उसको हम देख के जो है कि नहीं हम खा रहे हैं, वो भूखा है तो उसको हम पैकेट दे के उनको जो है राशन पानी दे के और उसकी घर की हिफाजत करना हमारा काम है, वो बोलिए। और दूसरे इसके अलावा क्या है, सब यंग कमेटी के मेम्बर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, रामनगर के अंदर भी हम लोग करें और अभी सुभाष नगर में, रामनगर में और जितना भी होता है हमारे संतोष साहब भी है साथ में और हमारे डोनर कुतुब मकानदार साहब और हमारे ये रिजवान भाई और उसके बाद में हमारे ये जितने भी डोनर्स हैं हमारे हमको ये सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको नमस्ते। आज का लॉकडाउन के हिसाब से सब लोग घर में बहुत गरीब लोग के उनका मदद करने का एक ये चल रहा है हमारा, उसमें मुदस्सर पटेल साहब और कादर भाई, बाद में नुमान भाई, बाद में अपने गब्बर वगैरह सभी आए, बाद में हमारा दिल से कितना कोशिश हो रहा है उतना कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और इसके आगे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम वगैरह आया तो हम लोग और इसके आगे हम लोग अभी हाथ बढ़ाने वाले हैं और सभी लोगों को हेल्प करने वाले हैं। ग्यांगुड़ी में आप पहले से हम लोग ग्यांगुड़ी रामनगर में किट्स पहुँचाए हैं और अभी थोड़ा और 200 किट बना के और थोड़ा पहुँचा रहे हैं इधर, और इसका इतना करके बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे ही लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया तब हमारे जहन में एक ही था कि आज हम लोग के पास तो सब कुछ है, हम लोग तो ऐसे जैसे भी अपना चला लेंगे। लेकिन बहुत बड़ा मसला इसका था कि जो गरीब है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताता है, जो रोज़ 100, 50, 200 ऐसे कमा के करता है, तो उसका क्या होगा। तो हम इसके सोच में पड़े हुए थे तब अचानक मुझे हमारे लुमान भाई ने फ़ोन किया, बताने लगे कि भाई ऐसी तकलीफ है तो कैसे क्या करेंगे। तो मैंने बोला चल भाई अच्छा सोच रहा है तो इसके आगे बढ़ाते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमको कादर भाई भी मिल गए तो हम लोग वहाँ से मदीना फाउंडेशन को कॉन्टेक्ट किए तो उन्होंने भी हमारी मदद की। तो हमारे जहन में एक बात आई कि संतोष जंतिकट्टी जो हमारे मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो हमने उनसे भी जाके इत्तला की और बातचीत की, तो उनको पूरा मसला बताया हमने। तो उन्होंने कहा चलो भाई बहुत अच्छा मसला है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, जो भी मुझसे बन सकता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो संतोष जंतिकट्टी ने कम से कम अभी तक 400 से 450 किट्स रामनगर, वड्रवाड़ी और श्रीनगर में तकसीम किए हैं। और आज जो भी आप देख रहे हैं ये सब संतोष जयंती के लिए 200 किट्स आज रेडी है जो कल इसमें ना श्रीनगर में तकसीम किए जाएंगे। इसके अंदर हम लोग जात भेद कुछ भी नहीं देख रहे, जो भी भूखा है उससे हमें पेट भरने का बहुत एक ही मकसद है हमारा। और सब लोगों से एक ही गुजारिश करते हैं कि ईद जो भी अपने घरों में मनाए और जैसा कि जमात वाले ने ऐलान किया है औरतों वगैरह को बाहर आने की इजाज़त नहीं है तो औरतों वगैरह घर पर रहे बस।